नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की में आई हुई वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे वैकेंसी जो है ये दो तरीके के पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट फोरमैन एंड टेक्नीशियन का। एम्प्लॉयमेंट नंबर देख सकते हैं 466 है, डेटेड जो है आपका नोटिफिकेशन का 7/10/2020 है। पोस्ट क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोजीशन है सुपरवाइजरी पोजीशन है असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग के लिए, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है फ्रेशर के लिए वैकेंसी, यहाँ पे मेट्रिकुलेंस यानी यहाँ पे 10th का आपके पास सर्टिफिकेट है और एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, एंड वर्ड है इसके साथ प्लस होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा और रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन, मिनिमम 3 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट। सेकेंड अगर असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे भी सेम है, 10th का सर्टिफिकेट एंड आपके पास डिप्लोमा और रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन 3 ईयर का होना चाहिए इन मैकेनिकल, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टेक्नीशियन पोजीशन की बात करें तो सीरियल नंबर 3 में बताया गया है यहाँ पे जो है टेक्नीशियन फिटर के लिए वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, टर्नर मैकेनिस्ट, उसके बाद यहाँ पे वेल्डर, इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए सभी में, और सारे के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ITI 2 ईयर्स का कोर्स आपके पास होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिवीजन या डिसिप्लिन के लिए। तो 10th प्लस ITI आपके पास रिस्पेक्टिव डिवीजन के लिए होना चाहिए, लाइक फिटर के लिए फिटर में, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन, टर्नर का आपके पास होना चाहिए टर्नर ट्रेड में, यानी रिलेवेंट ट्रेड जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे पार्ट ए में जो नोट बताया गया, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन जो है आपका यहाँ पे बताया गया 25/8/2020 यानी 25 अगस्त 2020 को है। दैट इज रिफर्ड एज क्रूशियल डेट इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ड्यू डेट फॉर द डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल कंडीशन, यानी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशन के लिए आपका यही क्रूशियल लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब बात करते हैं सेकेंड यहाँ पे पोजीशंस एंड वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे जो पोजीशन और वैकेंसी है उसका डिटेल यहाँ पे बता दी गई। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पे देखेंगे तो आपका असिस्टेंट फोरमैन ENT के लिए 7, मैकेनिकल के लिए 47, फीटर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये दो पैनल में बताया 47 और 25, वन फीटर के लिए 125, सो ऑन, इस तरीके से सारी पोस्टें डिवाइड हैं। डी की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कौन से लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। सो हायर क्वालिफिकेशन एंड ब्रांचेस परटेंस टू, अगर ये है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस डिसिप्लिन में, और यहाँ पे जो नॉन एलिजिबल हैं बीटेक वाले सभी के लिए, तो ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं टेबल डी में। गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन जो है वही अप्लीकेबल होगा SC ST OBC NCL के लिए और EWS PWD और ESM के लिए। अब बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका जो है वो 30 ईयर्स होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस का, तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं लाइक OBC EWS और जनरल कैटेगरी, उनका 500 है, और SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं उनका एप्लीकेशन फीस सिलेक्शन प्रोसेस की, तो एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उनका यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, उस मेरिट लिस्ट के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, यहाँ पे सिर्फ 3rd पॉइंट में आप देख सकते हैं, फॉर ईच 7 पोजिशन अंडर टेबल ए, द टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स फॉर 90 मिनट्स एंड कंप्रेसिंग 2 पार्ट्स। पार्ट ए 70 मार्क्स का होगा, जहाँ पे आपका टेक्निकल सेक्शन होगा जिससे रिलेवेंट आपका ट्रेड आपने रिलेवेंट लिया होगा उस ट्रेड से रिलेटेड। पार्ट बी जो होगा 30 मार्क्स का होगा, इसमें जनरल सेक्शन होंगे जहाँ पे GK मैथ रीजनिंग ये सारे कुछ सेक्शन होंगे। द टेक्नीशियन सेल बी कंसिस्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू टेक्निकल नॉलेज, एंड यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट बी का है जो जनरल इंटेलिजेंस मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड एक्सेट्रा आपको यहाँ पे मिलेगा। डिटेल सिलेबस विल बी पब्लिश्ड ऑन NCL वेबसाइट, तो जो डिटेल सिलेबस है वो आपको NCL की वेबसाइट पे एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, OMR शीट पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन देना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर होंगे। जो आपका यहाँ पे सेंटर होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंगरौली MP एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोनभद्र UP, तो दो जगह UP और सोनभद्र और सिंगरौली के किसी भी क्षेत्र में। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिया गया है कि आउट ऑफ 100 अनरिजर्व और EWS के लिए 50 मार्क्स है,
और SC ST ESM OBC NCLPW के लिए 40 मार्क्स ईच रखा गया है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, मेरिट इससे हाई भी जा सकती है। तो यहाँ पे ये बात है कि कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए लिंक आप जो को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही इनेबल्ड होगा मिल जाएगा, या तो आप NCL की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस में क्या क्या है, सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना है, सेकेंड स्टेप में आपको फीस पेमेंट करनी है, थर्ड स्टेप में आपको अप्लाई करना है, एंड अप्लाई करने के बाद स्टेप फोर है आपका सबमिशन। बिफोर सबमिटिंग फाइनल क्लिकिंग ऑन फाइनल सबमिशन प्लीज रीड ऑल योर डिटेल्स केयरफुली। आपने जो डिटेल दिया वो सही भरा हुआ है आपने या नहीं, वो सारी चीज़ चेक कर लीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट, जो यहाँ पे बताया गया है रात के 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगा, यानी 3 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका लिंक। उसके बाद क्लोजिंग डेट जो है 25, जैसा कि ऊपर मैंने बताया अगस्त है। टेंटेटिव डेट जो है सारे रिटर्न टेस्ट डिक्लेरेशन ये सारे कुछ आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख लेंगे। जैसे जैसे आती जाएंगी चीज़ें वो आपको मिलते जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यहाँ पे आपको रिलेवेंट फॉर्मेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट में मिल जाएगा इसी नोटिफिकेशन के नीचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।